इस पर भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, तब हम क्या करें? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास दो कुर्ते हैं वो एक उसे दे दे जिसके पास एक भी नहीं है, जिसके पास भोजन है वो भी यही करे। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा के लिए उनके पास आए और उन्होंने योहन से प्रश्न किया, गुरुवर हमारे लिए उचित क्या है? निर्धारित राशि से अधिक मत लो, योहन ने उत्तर दिया। कुछ सिपाहियों ने उनसे प्रश्न किया, हमें बताइए हम क्या करें? योहन ने उत्तर दिया, ना तो डरा धमका कर लोगों से पैसा ऐंठो और ना ही उन पर झूठा आरोप लगाओ, परंतु अपने वेतन में ही संतुष्ट रहो। बड़ी जिज्ञासा के भाव में भीड़ ये जानने का प्रयास कर रही थी और अपने अपने हृदय में यही विचार कर रहे थे कि कहीं योहन ही तो मसीह नहीं है। भीड़ को संबोधित करते हुए योहन ने स्पष्ट किया, मेरा बपतिस्मा तो मात्र जल बपतिस्मा है, किंतु एक मुझसे अधिक शक्तिमान आ रहे हैं, मैं तो उनकी जूतियों के बंद खोलने योग्य भी नहीं। वही हैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे, वो गेहूं को निरुपयोगी भूसी और डंठल से अलग करते हैं, वो गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेंगे तथा भूसी को कभी न बुझने वाली आग में स्वाहा कर देंगे। योहन अनेक प्रकार से शिक्षा देते हुए लोगों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे।